आज 17 सितंबर है। साल के 9वें महीने का ये 17वां दिन इतिहास में अपनी एक खास जगह रखता है। आज के दिन देश दुनिया में कई ऐसी घटनाएं हुई थी जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। मॉरिशस हिंद महासागर में स्थित अफ्रीका महाद्वीप का एक द्वीप देश है जिनका कुल क्षेत्रफल 2040 वर्ग किलोमीटर है। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई है जहां पर देश की सबसे ज़्यादा आबादी बसती है। मॉरिशस एक ऐसा देश है जहां पर किसी भी तरह का खनिज पदार्थ पाया नहीं जाता है, लेकिन फिर भी ये देश पूरे अफ्रीकी महाद्वीप के सबसे विकसित देशों में से एक माना जाता है। आज ही के दिन 17 सितंबर साल 1598 को नीदरलैंड के नाविक ने मॉरिशस की खोज की थी। नरेंद्र मोदी ऐसी शख्सियत हैं जो कि देश हो या विदेश, सभी जगह फेमस हैं। नरेंद्र मोदी हमारे देश के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। साल 2014 और फिर 2019 के आम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर मोदी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। मानो पूरे देश में मोदी लहर सी आ गई है। स्वतंत्रता के बाद ऐसी जीत हासिल करने वाले ये भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। आज ही के दिन 17 सितंबर साल 1950 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म गुजरात के वडनगर में हुआ था। वैनेसा लिन विलियम्स एक अमेरिकी गायिका, अभिनेत्री और फैशन डिजाइनर हैं। आज ही के दिन 17 सितंबर साल 1983 को अमेरिका में पहली बार वैनेसा विलियम्स नाम की अश्वेत महिला ने मिस अमेरिका प्रतियोगिता जीती थी, लेकिन उन्हें बाद में ये खिताब लौटा देना पड़ा था। हालांकि प्रतियोगिता जीतने के एक साल बाद ही विवादों में फंसने के कारण वैनेसा को मिस अमेरिका के रूप में इस्तीफा देना पड़ा था। भारतीय टेस्ट क्रिकेटर टीम के सबसे अहम खिलाड़ियों में शुमार रविचंद्रन अश्विन भले ही एक स्पिनर के रूप में जाने जाते हों, लेकिन मौजूदा समय में अगर उन्हें टेस्ट टीम का बेस्ट ऑलराउंडर कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। अश्विन का जन्म आज ही के दिन 17 सितंबर साल 1986 को चेन्नई में हुआ था। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट पूरे करने वाले भारतीयों की लिस्ट में पहला नंबर अश्विन का है। अश्विन टेस्ट क्रिकेट में एक ही मैच में सेंचुरी और 5 विकेट लेने का कारनामा 2 बार कर चुके हैं। ऐसा करने वाले वो भारत के एक लौते क्रिकेटर भी हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही।